प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश बुक सेकंड क्लास लेसन नंबर 7 सेलिब्रेटिंग दिवाली का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। मैं इंग्लिश और हिंदी में उच्चारण करूँगा। शुरू करता हूँ। Anshita is going to school. Going means जा रहा, जा रही, जा रहे। To school, पाठशाला या school. Anshita is going to school. Anshita school जा रही है। She means वह, is means है, very happy, बहुत खुश। Because means क्योंकि। बिकॉज में क्योंकि टूमोरो में कल, आने वाला कल, इस दीपावली। शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज टूमोरो इज दीपावली। वह बहुत खुश है क्योंकि कल दीपावली है, दिवाली है। टीचर, टीचर मीन अध्यापक या अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग में सुप्रभात या प्रातःकाल की नमस्कार बच्चों। स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग मैम, मैडम, स्टूडेंट विद्यार्थी कहते हैं, छात्र कहते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, सुप्रभात या प्रातःकाल की नमस्कार। अब आम प्रचलित भाषा में गुड मॉर्निंग ज़्यादातर उपयोग हो रहा है, इसलिए गुड मॉर्निंग ही रख दिया। सुप्रभात ऊपर दिया है, कहीं कहीं दोनों शब्द ही आएंगे। टीचर, अध्यापिका। टुमोरो इज दीपावली, कल दीपावली है। कौन कह रहा है? अध्यापिका कह रही है। किसको? विद्यार्थियों। आई विश ऑल ऑफ यू ए हैप्पी दिवाली। मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। अंशिता, थैंक यू मैम। अंशिता कहती है, धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट लाइन, आई वांट टू थैंक विशाल। मैं विशाल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। He has distributed sweets to the whole class. He mean उसने distributed बांटी, sweets mean मिठाइयाँ या मिठाई। Whole mean पूरी, संपूर्ण, class mean कक्षा। He has
distributed sweets to the whole class. उसने पूरी कक्षा को मिठाई बांटी है. विशाल, अब विशाल बोल रहा है. दैट एपोस्ट्रोफी लग गई, इज आर एस आ गया, तो इसका अर्थ है दैट इज. हम बोलेंगे दैट्स. राइट मैन, विशाल कह रहा है यह सही है मैम. टूमोरो इज ए हॉलीडे. हॉलीडे मीन छुट्टी. हॉलीडे मीन छुट्टी. टूमोरो मीन आने वाला कल. सो इसलिए. सो मीन इसलिए. आई ब्रॉट डॉट मीन ले आया. ब्रॉट मीन ले आया. आई मीन मैं. द स्वीट्स मिठाइयाँ या मिठाई. टूडे मीन आज. टूमोरो इज होलीडे सो आई ब्रॉट द स्वीट्स टूडे. कल छुट्टी है इसलिए मैं आज मिठाई ले आया. नेक्स्ट लाइन. वी हैव टू सेलिब्रेट दिवाली बट मैम प्लीज टेल अस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फेस्टिवल. फेस्टिवल मीन त्योहार. हैव टू सेलिब्रेट मनानी है. बट मीन लेकिन. प्लीज मीन कृपया. टेल मीन बताइए या बताओ. अस मीन हमें. मीनिंग मीन अर्थ. वी हैव टू सेलिब्रेट दिवाली बट मैन प्लीज टेल अस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फेस्टिवल. हमें दिवाली मनानी है लेकिन मैम कृपया हमें बताएं कि इस त्यौहार का अर्थ क्या है. टीचर अध्यापिका बता रही है. दीपावली इज ए रिलीजियस. रिलीजियस मीन धार्मिक. फेस्टिवल ऑफ द नेशन. नेशन मीन राष्ट्र. नेशन मीन राष्ट्र देश जिसमें हम रहते हैं. टीचर दीपावली इज ए रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द नेशन. दीपावली राष्ट्र का एक धार्मिक त्यौहार है. दीपावली मीन्स. दीपावली का अर्थ है द रॉ ऑफ लैम्प्स. दीपों की पंक्ति या पंक्तियाँ. ऑन दिस डे. इस दिन लॉर्ड राम रिटर्न्स टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण. इस दिन भगवान राम रावण को मारने के बाद अयोध्या लौटते हैं यानी वापिस आते हैं. किसको मार करते हैं? रावण को. किलिंग मीन मारना. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न्स टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण. इस दिन भगवान राम रावण को मारने के बाद अयोध्या लौटते हैं. दीपावली इज सेलिब्रेटेड टू रिमेम्बर लॉर्ड राम्स होम रिटर्न. दीपावली भगवान राम के घर वापसी को याद करने के लिए मनाई जाती है. सेलिब्रेटेड भी मनाई जाती है. रिमेम्बर याद करना. आशु दैट्स व्हाई पीपल क्लीव. दैट्स अब ये एपोस्ट्रोफी लगा दी है या इज है. दैट इज वाई. इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं. दैट्स वाई इसलिए. इसका अर्थ होता है इसलिए. तीनों अक्षरों को इकट्ठा मिला करके.
People clean their houses and shops. आशु, वह इसलिए लोग अपने घरों और दुकानों को साफ करते हैं. Houses are decorated with the lamps. घरों को दीपकों से सजाया जाता है. Decorated में सजाया जाता. Decorated में सजाया जाता. Teacher. Children, people also worship goddess Lakshmi on this day. Goddess means Devi. Worship means puja karte hain. Also mean ghee. Teacher, adhyapika kehti hai, children, bacho, people mean law. Also worship goddess Lakshmi on this day. अध्यापिका ने उन्हें बच्चों को बताया है, लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं. ओवरऑल दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ओवरऑल मीन कुल मिलाकर. ओवरऑल मीन कुल मिलाकर यह है रोशनी का त्यौहार है. इट टीचर्स अस टू लीड ए लाइफ ऑफ प्रेयर एंड लव. यह हमें प्रार्थना और प्रेम का जीवन जीना सिखाता है. कौन सा त्यौहार? दीपावली का. तो ये हमारी दीपावली की अध्यापिका द्वारा बताई गई और विद्यार्थियों के द्वारा पूछी गई कहानी है. प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें. इंडियन ग्रामर पीवी स्कूल द्वारा गणित, मैथ यानी मैथ, साइंस यानी ईवीएस और इंग्लिश सभी कक्षाओं की वीडियोस यूट्यूब पर आपके लिए उपलब्ध है. आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके लाभ उठाएं. धन्यवाद.